आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, सो लेट अस सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। क्या दिया? अ कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 50 वोल्ट एंड देन डिसकनेक्टेड व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद अ टेफ्लॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज 2.5, देन द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस विल बी। तो गाइस, यहां पे हमें प्रॉब्लम में क्या दे के रखा है कि हमारे पास कोई ओरिजिनल में कैपेसिटर है। सपोज हमने कैपेसिटर कंसीडर किया, सपोज हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इनिशियल में कैपेसिटर को हमने बैटरी से कनेक्ट करके रखा है। सपोज दिस इज द बैटरी और बैटरी का पोटेंशियल हमें क्वेश्चन में दे के रखा है। हमने मान लिया बी वोल्ट की बैटरी से हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया था और कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस था वो सी था। ओके गाइज, उसके बाद होता क्या है गाइज कि जैसे ही हम बैटरी को डिसकनेक्ट करते हैं तो होगा क्या, अगर हम बैटरी को डिसकनेक्ट करते हैं तो बैटरी को डिसकनेक्ट करने के बाद कैपेसिटर की प्लेट में जो चार्ज स्टोर हुआ होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज चेंज करने वाला बैटरी होता है। तो वी कैन से कि आफ्टर रिमूवल ऑफ बैटरी क्या होने वाला है, आफ्टर रिमूवल ऑफ बैटरी वी कैन से कि आवर चार्ज रिमेन कांस्टेंट। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ बैटरी डेट चार्ज रिमेन क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, और अगर क्यू कॉन्स्टेंट हो गया उसके बाद हमने क्या किया कि हमने कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने के एज्यूम किया। सपोज इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो उस केस में हमारी जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या होने वाली है, जेड सी डैश डेट इज द के टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस डेट इज द, अगर ये पैरेलल प्लेट कंसिडर करें तो एप्सिलॉन ए बाई डी हम लिख सकते हैं। और अगर हम सी की बात करें तो सी हमारा क्या है, ओरिजिनली सी हमारा है एप्सिलॉन ए बाई डी अगर हम पैरेलल प्लेट कंसीडर करके चलते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमें सी डैश क्या मिल गया, डेट इज द के टाइम्स सी। तो कभी भी डायलेक्ट्रिक फिल करने पे जो कैपेसिटेंस होती है के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। अब गाइस हम बात करते हैं कि वोल्टेज क्या होने वाला है। हमें पता है कि जो हमारा चार्ज होता है वो सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट शुरुआत में कितना था, डेट इज द वी डेट इज गिवन इन द प्रॉब्लम 50 वोल्ट। अगर क्यू कांस्टेंट है, जैसा कि हमने देखा कि चार्ज हमारा कांस्टेंट है आफ्टर रिमूवल ऑफ द बैटरी, तो वी कैन से कि यहाँ पे सी इंटू वी का प्रोडक्ट हो गया कांस्टेंट। और अगर सी इंटू वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो वी कैन से डेट कि सी इंटू ओरिजिनल जो हमारा वी था डेट इज द वी इक्वल टू सी डैश इंटू वी डैश। तो गाइज यहाँ पे सी की वैल्यू हमने ओरिजिनली सी एज्यूम की कि शुरुआत में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी है। वोल्टेज हमें प्रॉब्लम में कितना दे के रखा है, डेट इज द 50 वोल्ट, ये हमें प्रॉब्लम में दे के रखा है। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमें कितना दे के रखा है, डेट इज द 2.5। तो गाइज यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, डेट इज द 2.5 टाइम्स ये सी हो गया। तो यहाँ से वी डैश की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो वी कैन से कि वी डैश हमारे पास क्या होगा, डेट 50/2.5। सिंपली गाइज अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो दिस कैन बी रिटेन एज 50 × 10/25। तो गाइज यहाँ से वैल्यू कितनी आने वाली है, डेट इज बी डैश की वैल्यू आने वाली है 20 वोल्ट। तो जो हमारे पास नया वोल्टेज होगा आफ्टर फील्ड विद द डाइलेक्ट्रिक वो कितना होने वाला है, 20 वोल्ट होने वाला है। तो राइट आंसर इज हमारा 20 वोल्ट। ओके गाइज, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।